अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 26 जनवरी के दिन एक हादसा पेश आया बिस्मिल्लाह कॉलोनी में। कुछ हमलावर लोगों ने एक नौजवान जिसका नाम महताब बताया गया है, उस महताब नामी शख्स पर उसी के दोस्त लोगों ने कुछ छोटी सी बात पर उसके पर हमला कर दिया गया। पुलिस को इत्तला मिली, पुलिस फौरन हरकत में आते हुए उस नौजवान को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। और पुलिस ने फिर अपनी एक टीम बनाई, टीम बनाकर उन हमलावरों की तलाश जारी कर दी। आइए जानते हैं इसके आगे की तफसीलात। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया। कल शाम में 26 जनवरी 4:30 बजे को पीर के मंडी में अपना अमीना ये मस्जिद के सामने अटेम्प्ट मर्डर हुआ। एक महताबुद्दीन बोल के इनको उनका दोस्त आए थे कदीर और खलील खालिद मोहम्मद शाहरुख, ये चारों ये गांजा के बारे में इन्होंने डिमांड करे बोल के, और येवन जो है कदीर बराक इनका फादर को मारा बोल के इसको कैसे भी खत्म करने के प्लान करके इन लोगों चारों मिलके चाकुओं से राडों से मार के गए। जब भी उनका इंजुर्ड अपना मोहम्मद मेहताबुद्दीन इनका बीवी कंप्लेंट दिया पुलिस स्टेशन में, उनका ऊपर हम लोग केस बुक करके इन्वेस्टिगेशन करे। इन्वेस्टिगेशन में अपना हमारा टीम जो है जानी और महेंद्र सईद रहसा और क्राइम टीम हमारा स्टाफ पूरों को एक इंफॉर्मेशन आया। आज सुबह में यवन का घर पे है बोल के इन लोगों को तीनों को आज सुबह में अरेस्ट करे। वो जो हथियार है उनको मारे सो चाकुओं से और राड को सबको हम लोग सीज करें, अब अरेस्ट करके उनको कोर्ट को भेजा रहे। इसका ऊपर हमारा डीसीपी मैडम और एसीपी साहब का डायरेक्शन में हमारा टीम एसआई और स्टाफ पूरा अच्छा काम कर रहे, उन लोगों को रिवार्ड से भी साहब लोगों ने देने के है। कुछ पुराने केसेस है क्या? इन लोगों का कुछ भी नहीं है पुराना केसेस, अक्यूट सब नया है। और गांजा का केस ये इंजर्ड पर्सन मेहताबुद्दीन का ऊपर एक गांजा केस है अपना बालापुर पुलिस स्टेशन। जनवरी में डाले है और भी हम लोग नजर रखे सबको फुट पेट्रोलिंग करके कालने वालों को काउंसलर को और बड़ा लोगों को हम लोग काउंसलिंग दे के उन लोगों को इंफॉर्मेशन दो बोल रहे। कोई भी पब्लिक आगे आके हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया तो बराबर केस बुक करते और टाइट करते। पब्लिक को बोलूँ कोई भी गांजा ऐसा पी रहे तो और बेचे तो भी हम लोग की इन्फॉर्मेशन देना है बोल के हम बालापुर पुलिस वाले आपको इंतजार करें।